आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। मैंने बचपन से उनकी सारी मूवीज देखी है एंड दैट्स व्हाई आई नो ही लव्स कॉम्प्लेक्सिटी इन हिज स्टोरीज। बट ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की बाकी सारी मूवीज से काफी अलग है। बट क्यों, जानेंगे कुछ ही देर में। बट उससे पहले वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी सिनेमैटिक, और आज आप देख रहे हैं ओपेनहाइमर का ऑनेस्ट सिनेमैटिक रिव्यू। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ओपेनहाइमर कहानी है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट फेज की, जहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं और उस टाइम पर जियोपॉलिटिक्स किस तरह से काम करता था और ओपेनहाइमर के मन के अंदर चलता हुआ अलग ही जंग किस तरह से ब्रिलियंटली पर्दे पर उभर कर आता है, वही हम कुछ यूनिक वे में एक्सपीरियंस करते हैं। अब मूवी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन, राइटिंग। मूवी की राइटिंग जबरदस्त है। मूवी में हम कुछ जॉनर्स को नोटिस करते हैं, लाइक कोर्टरूम ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, पीरियड ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा एंड बायोपिक जैसे हर एक जॉनर को बहुत ही बढ़िया वे में जस्टिफाई किया गया है। और जिस तरह से थोड़ा बहुत सिंपल वे में एटॉमिक फ्यूजन उसके साइंस को एक्सप्लेन किया गया है, वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगता है। नंबर टू, कास्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस। ओपेनहाइमर की कास्टिंग एकदम एक्यूरेट है और एक्ट्रेस ने जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है उसे देखने में मजा ही आ जाता है। किलन मर्फी एज रॉबर्ट ओपेनहाइमर जस्ट नेल्ड इट। बट पर्सनली आई थिंक आरडीजे हैज गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड ही डिजर्व्स एन ऑस्कर फॉर दिस। नंबर थ्री, साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक। आई थिंक ये मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। मूवी की साउंड डिजाइन और म्यूजिक हमेशा स्क्रीन पर एक एपिकनेस लाता है एंड ट्रस्ट मी, मूवी खत्म होने के बाद भी मूवी का सॉलिड बीजीएम दिमाग में बजते रहता है। नंबर फोर, विजुअल्स। मूवी अपने जॉनरा के साथ साथ अपने सिनेमैटिक टोन को भी स्मूथली शिफ्ट कर लेता है एंड दैट्स व्हाई हम इस मूवी में अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन नोटिस कर पाते हैं। मूवी का हर एक विजुअल बहुत ही ज्यादा शार्प और खूबसूरत है एंड एटॉमिक फ्यूजन के टाइम पर जो विजुअल्स हम देखते हैं वो प्रैक्टिकल है एंड दैट्स व्हाई मूवी हमें विजुअली इम्पैक्ट एंड सेटिस्फाई दोनों ही कर पाती है। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं 3 आवर्स का ये लेंथ अपने थर्ड एक्ट में फील होता है। मूवी में बहुत ही ज्यादा कॉन्वर्जेशंस एंड डायलॉग्स हैं जिसे कंटिन्यूअस स्मूथली समझते रहना एक टाइम पर थोड़ा मुश्किल लगता है एंड लास्टली फीमेल कैरेक्टर्स को थोड़ा और स्पेस दिया होता तो बेटर होता। बट ओवरऑल ओपेनहाइमर एक बहुत ही शानदार और नियर टू मास्टरपीस मूवी है जो डेफिनेटली आपका टाइम और अटेंशन डिजर्व करता है। माई रेटिंग्स फॉर ओपेनहाइमर इज 4 out of 5। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम। awesome.